अभिषेक मनुष्य आगे आइए मनुष्य। अरे भाई रुक जाइए रुक जाइए। हाथ पीछे लेना भाई तेरा हाथ कितना आ रहा है। सबको साथ में उठाने के लिए बोला एक पिक्चर हो जाएगा। पिक्चर के लिए हम नहीं आए यहाँ काम करने के लिए। सही है सही बात है सही बात है सही बात है सही बात है। मोबाइल जा तो बिछा हुआ है मोबाइल राजकुमार है ना। हमारे आने से पहले आप लोग आए यहाँ पूरा सफाई किया इतना कि अभी हमें कचरा ढूंढना पड़ा खोजना पड़ा। yes, sir, yes, sir. तो एक ताली सब आप लोग के लिए बनती है। सभी ने समय निकाल कर करना चाहिए क्योंकि आई थिंक दिस इज़ आवर सिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं एक्चुअली पिछले 6-7 सालों से अफरोज के साथ काम कर रही थी बरसोवा बीच पर। इस टाइम आसिफ जी ने बुला लिया द भामला फाउंडेशन, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड जस्ट हैप्पी टू सी द टर्न आउट हियर, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट आई फील। क्या लगता है किस तरीके के चेंजेस या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं अगले साल की गणतंत्र में? बस यही बहुत स्लो और स्टेडी चेंजेस हुए हैं। जैसे हम अभी पीओपी गणपति थोड़े कम कर रहे हैं और मट्टी के गणपति ज़्यादा बड़े हैं, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड चेंज। सिंगल प्लास्टिक का यूज़ कम होना चाहिए, दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर आर सिटी आई फील। अगर वो हुआ लॉट्स ऑफ चेंजेस वील सी, बिकॉज हम बीच क्लीन अप कर रहे हैं पर वो हमेशा वापस आते ही रहता है, तो इट्स अबाउट नॉट थ्रोइंग स्टफ इन द बीचेस। आप मुंबई कर और जो ऑडियंस जो जुड़ना चाहती है इस कैंपेन से उन्हें क्या संदेश देना चाहते? बस संदेश यही है कि आप आ जाओ फैंस को मुंबईकर्स को सभी को कि हर संडे को क्लीनअप्स होते हैं तो आप ज़रूर आइए। गणपति के बाद तो होते ही है पर दिस हैपेंस ऑल ईयर राउंड, प्लीज़ ज़रूर आइए। मेहनत इसके लिए और काफ़ी ज़्यादा है सर, घूमर के लिए हमने इतनी मेहनत की पर इसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इतने सालों की जो लिटर है तो उसकी एक एक बूंद जैसे हम कहते हैं मेक्स द ओशन, आई थिंक एवरी लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू मैं पहले कहता स्वच्छता में भी एक और कैंपेन चल रहा है स्वच्छता ही सेवा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांधी जयंती भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक गांधी जी भी स्वच्छता में बहुत मानते थे और ये बहुत जरूरी है। आज है दिव्याज फाउंडेशन आणि भामला फाउंडेशन के तरफ से ये जो क्लीनथॉन हो रहा है इसमें अमृता जी का ये दूसरा साल है और आज बड़े पैमाने पे आप लोग देख रहे हो सुबह 5 बजे से यहाँ स्वच्छता हो रही है। स्वच्छता ही सेवा आदरणीय पंत प्रधान जी का जो धोरण है इस बार नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर उसे उन्होंने अनावरण करने का ये किया था, लेकिन ये हम पहले ही कर रहे हैं और इसके लिए आप देख रहे होंगे दोनों संस्थाओं के इको चैम्प्स मेंबर्स सुबह 5 बजे से यहाँ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी इतना साफ़ हो चुका है कि शायद हमारे लिए कुछ साफ़ करने के लिए भी नहीं बचा होगा। राजकुमार राव जी जैकी मुझे आते साथ ही बता रहे थे कि ये कैसा हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि कमिश्नर साहब इकबाल चहल साहब पुलिस कमिश्नर साहब इन्होंने हमें सहयोग किया और सर्वोपरि अमृता भाभी जी मैं चाहूँगा आप
फार छान वाटत है। आज आम्ही हा खूप सुंदर असा उपक्रम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमारा सभी ने साथ दिया है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो राजकुमार जैसे, जैकी जैसे, ईशा जी जैसे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सभी ने साथ दिया है। सबसे ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व आप देखेंगे तो बहुत भारी मात्रा से लोग आए हैं और मुझे लगता है अपना दायित्व है कि हमारी बीचेस, हमारा पूरा एनवायरनमेंट क्लीन रखना, ये हमारे ऊपर उसका ओनस है, तो लेट्स डू इट टुगेदर। आई थिंक एज मैम सेड लेट्स डू इट टुगेदर, आई थिंक इसमें ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसमें हिस्सा लें, ये किसी यू नो दो जने तीन जने से नहीं होगा, हर सबको हम सबको आगे आना पड़ेगा टू कीप आवर सिटी एंड आवर कंट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मैं बस ये कहूंगा कि जैसे हमारा जो लाइन है स्वच्छता ही सेवा है, सो सबसे बड़ी सेवा स्वच्छता है। स्वच्छता है तो हम हैं, हम हैं तो दुनिया है। यू शुड टॉक टू आवर कमिश्नर आल्सो। कमिश्नर साहब आइए, इकबाल जी, इकबाल, ऑल गेट टुगेदर एंड कैरी ऑन दिस कैंपेन नॉट फॉर टुडे बट एवरी डे। बहुत खुशी है कि सब लोग यहाँ आज आए हैं क्लीनिंग करने के लिए। इनफैक्ट हमने इतनी खुशी से इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ की सफाई करने की। बीइंग एन एक्टर में यही कहना चाहूँगी कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, मिला है टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स, तो ये हम मुझे खुशी है कि इतने इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आए हैं ये मैसेज फैलाने के लिए कि हम ही आम जनता है तो हमें ही सफाई करनी चाहिए, हमें अपना सिटी साफ रखना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है इस कैंपेन के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे जो एक बीच जिसको कॉमन लोग इंजॉय करते हैं वो यहाँ पे आके उसको क्लीन भी कर रहे हैं, उसको यूजेबल भी बना रहे हैं।